हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बजट पर, जो कि 2022-23 के लिए वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है। उसमें देखते हैं नॉर्दर्न रेलवे में क्या क्या मिला रेलवे को। बात करेंगे केवल नॉर्दर्न रेलवे पर, आगे हम सभी डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सुल्तानगंज बांका रेल लाइन समेत कई प्रोजेक्ट को बजट में केवल 1,000 रुपये। सुल्तानगंज बांका नई रेल लाइन की 21 साल पुरानी परियोजना के लिए मंगलवार को पेश आम बजट में मात्र 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही दो अन्य प्रोजेक्टों के लिए भी हजार रुपये मिलेंगे। वैसे कुछ परियोजनाओं के लिए अच्छी रकम का भी प्रावधान है। पीरपैंदी जसीडा रेल लाइन परियोजना 46 करोड़, तो हसडीहा गोंडा सेक्शन को 55 करोड़ दिए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पर गंगा से जलपूर्ति योजना के लिए 94 लाख और इसी पाइपलाइन के लगभग 1.5 करोड़ रुपये मिले। कुल मिलाकर जलपूर्ति के लिए लगभग 2.5 करोड़ दिए गए हैं। इसमें पूर्व रेलवे क्षेत्र के सभी परियोजनाओं पर राशि के आवंटन की सूचना दी गई है। भागलपुर रेल एरिया की 3 बड़ी रेल परियोजना को निराशा हाथ लगी है। बांका सुल्तानगंज लंबित रेल परियोजना के अलावा सुल्तानगंज कटोरिया व बरियारपुर मननपुर रेल परियोजना के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। लगता है ये 3 रेल परियोजना रेलवे मंत्रालय की प्राथमिकता में नहीं है। सुल्तानगंज बांका रेल सेक्शन में अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम नहीं हुआ है। कुल 115 किलोमीटर इस परियोजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। सुल्तानगंज से बांका के बीच 59 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जानी है और इसके लिए 787 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जमीन का सर्वे करने के बाद रेलवे ने 2005-06 में 44.25 करोड़ रुपये का भुगतान बांका और भागलपुर जिला प्रशासन को कर दिया। बावजूद इसके बाद परियोजना को पूरा करने के लिए प्रति मंत्रालय का उदासीन रवैया रहा। अगर यह अधूरा परियोजना पूरी हो जाए तो सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम की दूरी कम हो जाएगी। बजट में बरियारपुर धरहा एवं कजरा में प्लेटफॉर्म के विस्तार को 2.50 करोड़ रुपये की प्रदान किया गया है। मौजूदा लाइन और पुल पुलिया के मेंटेनेंस के लिए राशि मौजूदा लाइन और पुल पुलियाओं के लिए बजट में राशि स्वीकृत की गई है। रेल कर्मियों की माने तो मेंटेनेंस के लिए यह सामान्य प्रक्रिया। भागलपुर की औल रेलखंड पर रेल लाइन के नवीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए। भागलपुर मंदार हिल स्टेशन सेलेक्शन पर भी राशि दी गई है। बढ़ार व कहलो गाँव के बीच विभिन्न लूप लाइन के लिए राशि दी गई है। DRSM मालदा रेलखंड मंडल यतेंद्र कुमार के अनुसार डिवीजन के कार्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए राशि मिली है। आवंटन के बाद तेजी से काम कराए जाएंगे। अभी विस्तार से विभिन्न मदों में मिली राशि का अध्ययन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि का आवंटन नई रेल लाइन देवघर सुल्तानगंज और बांका भीतिया 1,000 रुपये मिले। बरियारपुर मननपुर 1,000 रुपये मिले। रामपुरहाट मुरारई और मंदार हिल करोड 10 करोड़ रुपये मिले। सुल्तानगंज कटोरिया 1,55.99 करोड़। पीरपैंती जसीडा 46 करोड़। चित्रा बासुकीनाथ 50 लाख। दोहरीकरण के शेष काम साहिबगंज पीरपैंती 6.20 करोड़। अन्य काम जमालपुर यार्ड रामडिंग 1,00,000 रुपये मिले और अन्य कामों के लिए जैसे कि कुछ मिला है। और हम आपको पिंक बुक भी प्रोवाइड करा देंगे अपने चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।